हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, ये सुबह का टाइम हो गया है, यहाँ पर भी बच्चे सो रहे हैं, देख रहे सब रात को बिस्तर सही करके सो, लेकिन बच्चे ना पैर से मार मार के ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं। इधर ऋषभ सो रहे थे, सोनाक्षी इधर आ रहा और हम अभी सोकर उठे हैं। हम भी सोचा सोकर उठ के ही यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अरे टाइम नहीं मिलता है, फैमिली ज़्यादा है तो काम में बिजी हो जाते हैं। तो पतिदेव उठ गए हैं, वो नहा लिए हैं और पूजा भी कर लिए हैं, और मैं अभी उठी हूँ और पूनम दीदी भी उठ गई हैं। अब इधर देख सकते हैं कितने भी इधर सो रही हैं इधर, और इधर दीदी उठ के टहल रही हैं। और हम किचन में पहले क्या करते हैं, किचन में चाय रख देते हैं, क्योंकि चाय ना सुबह सुबह सबको चाहिए। तो यहाँ हमने चाय भी रख दिया, चाय पक रहा है, एक तरफ दूध एक तरफ चाय। अब नाश्ता में क्या बनाएं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खाएंगे नाश्ता में? अरे कुछ भी बन जाएगा, हम तो नाश्ता करते नहीं, बन जाएगा सब खा लेंगे। हम भी नहीं करते नाश्ता, हाँ लेकिन बनाना पड़ेगा। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के अंदर, जा रहे हैं नाश्ता बनाने। नाश्ता में क्या बनाते हैं? वैसे है बहुत कुछ लेकिन समझ में नहीं था कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं। तो गाइस क्या बोलते हैं, अरे कल किट्टू पता नहीं क्या बनाई थी, मतलब रेडीमेड आता है, और क्या बोलते हैं वेजी फिंगर्स लिए हैं, वेजी समोसा, वेज समोसा ना, वेज समोसा और वेजी फिंगर। तो हम नहीं थे तो वो लोग रेडीमेड बना कर मतलब मंगाती हैं, और उसको क्या कहता है आयल में फ्राई करती हैं। तो यहाँ मैं आयल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। ये आलू का बना हुआ है फिंगर्स, और ये समोसा है, अभी इसको हम फ्राई करेंगे। कल तो बना था, हम नहीं खाए थे, हाँ, और हम लोग का संती रखा गया, तो आज हम लोग फ्राई करके हम लोग खाएंगे। अभी तो मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, पहले पति देव को छान कर दे देती हूँ। चाय भी पक गया है लगभग, अपने से लगभग नहीं, चाय पक गया है, नहीं पका है। जब चाय पकता है ना साइड साइड में ना वो चीज एकदम गाढ़ा लगता है। अभी अरे पूरा भर के रखी थी, इतना जल गया है कि पूरा जला दो। पूरा भर के नहीं रखे थे, इतने रखे थे, और फिर चाय हमारा थोड़ा ज्यादा देर तक पकते है तभी अच्छा लगता है। चलिए गाइस इसको हम छानते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग भी अपने घर में मंगा कर और छान कर खाइए। अभी तो मैं टेस्ट भी नहीं किए हूँ, नहीं अच्छा है, तुम टेस्ट किए थे अच्छा है। चलिए जी, ये क्या है जी? ये पता नहीं, हम भी तो पहली बार देख रहे हैं। ये तो कबाब जैसा लग रहा है। हाँ। क्या है ये, कबाब ही है क्या? ए, इसको लाल लाल चला जाएगा, हम तो पहली बार देख रहे हैं और बना रहे हैं। देख रहे हैं, उसमें लिखा होगा देखो। अरे आलू का चाय बन रहा है इधर, आलू का है। हाँ। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है और क्या चीज बनाना है, कैसे बनाना है, वंदना जी को भी नहीं पता है इसके बारे में। वो गई थी मनीषा, मनीषा के सीख कर आई है, रेडीमेड होता है, बस छानना होता है, बता रही हूँ। अच्छा देखते हैं क्या है। ए पिंकी, रेड रेड छना था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे ही स्लो, ऐसे थोड़ा लाल लाल कीजिए। तो वंदना जी को उतना नहीं ना पता, दीदी बता रही हैं। और मुझे भी नहीं पता, कल किट्टो बनाई थी ना। हाँ तो किट्टो मनीषा के यहाँ से सीख के आई है, तो सीख के नहीं है, रेडीमेड मनीषा बनाई थी तो वही खा कर आई है। वही ये रेडीमेड आता है तो कैसे बनता है इसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए। रेड रेड एकदम छपा है। हाँ तो वही उसको, अरे तो वो प्रिंटिंग किया हुआ है ना, फ्राई करोगी ना रेड रेड। देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में कैसा होगा ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। ये समोसा भी है, देख रहे हैं समोसा, ये देखो समोसा। चलिए गाइस बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। ए किट्टो जो चश्मा लगाकर बैठी हुई है, रात को हमको फोन करके बुला ली, कहे कि आप आ जाओ, तो मैं घर छोड़ कोमल का घर छोड़ के किट्टो के घर रहने आ गई हूँ। और किट्टो भी अरे घूम कर आई है काफी दिन से, इसके मुंह में क्या निकला है जी? अच्छा अच्छा एक दिन थे, हम लोग अगर तुम एक दिन चली जाती है तो एक महीना लगता है। हाँ जी, अगर हमेशा के लिए चले जाएंगे तो करे हमेशा के लिए लोग। एक बात और ऋषभ सो रहा है, सोनाक्षी का इधर नाश्ता हो रहा है, क्या कर रही थी भौजी?
कैसे सब मजाक सजाक होते इधर आ रहा है, नाश्ता कर रहा है, पता नहीं क्या बना है। अब ये कमेंट में कर इधर बीनी भाई का फोन आया है। क्या बनावे थे? चना चना की घुघरी। समझ रहे हैं, चना मसाला। बीनी भाई का इधर फोन आ गया है। और तो कहाँ पे हैं कार्तिक सोना? सोना है इसे मुंह फोड़ेंगे, ऐसे मुंह फोड़ेंगे, अच्छी चीज करेंगे। या इनके देखी खूब गुस्सा होता है। कार्तिका करे थे या लोग की बातें साथी हो रही है। एक तो आज कितने क्या बनाओगे नाश्ते में? कितने बनाए तो नाश्ते? अरे खाना में क्या बनाओगी? मंगाया लौकी दही। लाए जी लौकी दही के खाए यार? लाए था मैं बोली लौकी दही ओके। आज किट्टू के हाथ से रायता बनेगा जो पूनम दीदी खाएंगी। पहली बार खाओगी इनके हाथ से? पहली बार खाओगी ना? उड़ जाओ किट्टू, हो गया सबेरे। तो गाइस हमारा वाशिंग मशीन काफी दिन से खराब था, तो आपका नहीं डालेंगे। बस मैंने होम सर्विस के लिए बुला रखा है मशीन बनाने के लिए, दिखा देते हैं। रही वाशिंग मशीन, इनका सामान आ गया है, भैया बनाएंगे। चलिए भैया आप लग जाइए, मशीन बन जाता है, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ दाल और चावल रायता बना दी है, तो यहाँ हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी रोटी। और मशीन बनाने वाला जो आया था ना, तो जो गोला गोला चक्का होता है उसको पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ ऐसे बोल रहे थे, उसका नाम था। तो ख़राब हो गया है, कल भी मशीन वाला आया तो नहीं बना, आज सुबह भी आया नहीं बना, तो बोला शाम को आएंगे, शाम को बनाएंगे। तो मशीन में कपड़ा रखे थे कि बन जाएगा धुलेंगे, लेकिन नहीं आया, बना ही नहीं आया था, लेकिन बना ही नहीं। शाम को बनेगा, कपड़ा आया रहे हाथ से धुलेंगे। मुझे लगता है ये सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जो काम रहता है करेंगे। और काम भी इतना है काम का, पूछिए गाइस। जहाँ चालू डूब जाते काम बढ़ ही जाता है, सब लोग मिल काम भी कर लेते हैं। और नाची अपनी मामी के घर से भी आ गई है, खूब रो रही है, और रो रही। मैंने वही समझाया, कितने दिन रहते किसी के घर रुक हो गए, यही सब बातें हैं। और काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि आपके घर में सो गए। किट्टू खाना बना दी थी, हम दोनों बहनों मिलकर बनाया, और भाभी को भी फ़ोन कर दिया था, अभी वो वहीं है। तो यहाँ पर मेरा चेहरा दिखा रही है क्या कहीं कुछ? हाँ तो कैमरा किसके सामने? और यहाँ पर ऋषभ को खाना खिलाया। ऋषभ बैठो, और दीदी लोग उधर बैठे, गाना बंद करो। तो यहाँ पर देखिए ये सब लेटे हुए हैं, और ऋषभ बैठो खाना खिला। किट्टू का देखिए वीडियो अपलोड हो रहा है, इनका आने वाला है गाइस, जाकर धड़ाधड़ देख लीजिए। अगर टाइम मिलेगा तो हमारे भी आ जाइएगा देखने के लिए। आज मेरे ब्लॉग में ये है कि पापा ने 1 बजे रात को हम तीनों बहनों को बुला क्या समझाया रहे थे। सही बात। और हमारे में क्या आएगा? हमारे में ये आएगा कि आखिर क्या बताएंगे, नहीं बता दो क्या बता रहे, क्या हम डाले आखिर मैं अपने इस ब्लॉग को क्या नाम दूँ? नहीं, इस ब्लॉग में आएगा कि अरे। तो गाइस यहाँ पर देखिए किट्टू कैसे एक माँ का फर्ज निभा रही है, वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये माँ का फर्ज निभा रहे। मेरे यहाँ से कभी ऋषभ खाता ही नहीं है, तो यही सब बातें साथ चलती रहती है गाइस। और पति देव लोग ड्यूटी जा चुके हैं, और हम तीनों बहनें एक घर में राज कर रहे हैं। वो जो बिस्किट खत्म, क्या कौन सा बादाम वाला? हाँ। खत्म? अच्छा नहीं, एक पैकेट खोले थे हम, एक पैकेट नहीं जानते, एक पैकेट हो गया था गाइस। अरे ऋषभ ना किसी से नहीं डरता है, केवल एक किट्टू से डरता है, खाना नहीं खा रहा था, और किट्टू यहाँ खाना खिला रही, माँ का फर्ज निभा रही है, छोटी माँ। तो गाइस क्या रे सोच रहे हैं, वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, अच्छी लग रही, तो एक लाइक कमेंट से जरूर कर देना यार, लाइक तो करना बनता है। और वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को किट्टू के नाम से जुड़ा हुआ है खूब प्यार दे दीजिएगा। और क्या चाहते, तो हम अपना अकेले नाम लिख सकते थे, सोनाची का नाम लिख सकते थे, अपने पति देव का नाम लिख सकते थे। कमेंट है क्या रे तुम लोग किट्टू की, तू पूरी फैमिली किट्टू की, अरे किट्टू की सबसे छोटी है, छह किट्टू के घर पे आए हैं, तो इंसान तो किट्टू से किट्टू से देखो, इंसान देखो मैं बता रही, इंसान देखो जाए सबसे छोटा का नाम लेता है या बड़ा का नाम लेता है। अब नहीं, हम किट्टू
किट्टो है वो तुम्हारे घर पे आए हैं तो किट्टो वंदना का नाम नहीं लेंगे तो पड़ोसी का नाम लेने जाएंगे। नहीं, हमारे यूट्यूबर करीना, टीना, पूजा, आराध्या, सीता, गीता, रंजना, आशीष, पूजा, क्या क्या नाम है अब तो मुझे पता ही नाम नहीं आता है। पूनम दीदी आके गोरी हो गई। हाँ, पूनम दीदी आके गोरी हो गए। तो गाइस ये सब बातें साथी होती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और दोनों भौजाई हमारे हाथ दे बहिन चली देखिए उनका का सेवा पानी करी कुछ ही। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। किट्टो थोड़ा इधर देखो यार, चश्मे वाली मैडम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।